वैसे पता है नुश, तेरे बिना ना किसी चीज में मौज नहीं है, ना राजमा चावल में, ना छोले भटूरे में, ना आसमान में, ना इस धरती में। वैसे तुम भी कुछ कम थोड़ी ना हो, तुम्हें देखते तो लगता है कि मेरे 16 सोमवार का प्रसाद मिल गया है। वाह, मेरा तो तू ही प्यार है, क्या यही प्यार है? ओके ओके, ये सब बातें बाद में। इस वक्त हम कर रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग शो, तो क्यों ना करें हम इंटरेस्टिंग सी बातें, तेरी मेरी बातें ऑन एमटीवी। ऑल इन वन, क्या बात है, मतलब रोमांस के साथ साथ होगी कुछ तेरी मेरी इंटरेस्टिंग बातें, इट्स जस्ट साउंड सुपर फन। तो चलो हुड़दंग मचाते हैं ये अमेजिंग शो ओनली ऑन एमटीवी बीट्स पर। तो तेरी मेरी बातें के पहले सेगमेंट का नाम है जानकारी। इस सेगमेंट में हम कुछ ऐसे सवालों के जवाब देंगे जिससे आपको हमारे बारे में और हमारी फिल्म हुड़दंग के बारे में जानकारी मिलेगी। शुरू करें, लेट्स गो। कॉलेज बंक करने की कोई मेमोरी शेयर करें? कॉलेज नहीं, मैंने स्कूल बंक किया था। एंड पहली बार तो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है और ही वॉज डेटिंग अनदर बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, तो उनको डेट पे जाना था एंड आई वॉज कोलैटरल डैमेज कि कोई तो चाहिए ना बहाने के लिए कि नहीं हम अकेले नहीं गए थे, ये भी थी हमारे साथ। तो हम तीनों ने कॉलेज स्कूल बंक करके हम एरोप्लेन गार्डन गए थे और हमने कुछ नहीं किया, बस गार्डन में जाके एरोप्लेन में बैठे रहे। सो वियर्ड। एंड फिर मुझे रियलाइज हुआ, मैंने कहा इतने घंटे एक एरोप्लेन में बैठ के क्या करूं, तो उड़ने भी नहीं वाला है, ऐसे भी क्या है। पहला डेयरिंग बंक था कि स्कूल बंक के बाद उनका ब्रेकअप हो गया क्या? बहुत सालों तक मैंने प्रॉक्सी की थी उनकी डेट्स में। आपका कोई स्कूल या कॉलेज का क्रश? अब इतने सारे नाम कैसे लें? आए हाय झूठे, चल बता दे। एक हो तो बताऊं, मेरे काफी रहे हैं। एक्चुअली हम सारे सुन सकते हैं। नहीं नहीं, मेरे काफी ऐसे नहीं होता यार, काफियों की शादी हो गई है उसमें से। अच्छा, मेरे क्रश की बात तो हो गई, आई एम श्योर आपके बॉयफ्रेंड रहे होंगे, तो उनको इम्प्रेस करने की कोई टिप्स दीजिए गाइस। यार आई एम अ वेरी ओल्ड स्कूल रोमांटिक, मतलब वेरी वेरी वेरी, तो मैं गाने रिपीट पे सुनती, इंग्लिश हिंदी जो भी, एंड आई शुड राइट द लिरिक्स डाउन ऑन दीज नाइस letterheads or like these nice papers, and I would decorate them with different inks and then fold it nicely, put it in like a nice envelope and give it like a love letter. But wo gaane ki lyrics actually mere pure rishte ko describe kare ya define kare, to hi I'm very romantic. Yeah guys, I don't know, ye tips nahi hai, this is ye, isko tips nahi bol sakte, isko kya bol sakte, isko ek scene bol sakte hain ye karne ke liye, matlab itni mehnat yaar. Ha yaar, so basically the tip is mehnat karo, मेहनत करनी पड़ती है रिश्ता निभाने में, बन तो जाता है। हमारी फिल्म हुड़दंग और हमारा ये जो गाना है क्या यही प्यार है के बारे में आप कुछ जानकारी दीजिए। क्या यही प्यार है गाना हुड़दंग फिल्म का ही हिस्सा है और वो गाना इट टॉक्स अबाउट झुलन एंड डड्डू जो हमारा कैरेक्टर है, उनके लव स्टोरी के बारे में बात करता है वो, कि उनका आपस में रिलेशनशिप कैसा है, बिकॉज दे आर प्लेइंग यू नो दे आर चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स, 10 साल से एक दूसरे के साथ है, एंड तो वो एक दूसरे के साथ उनकी नोक झोंक बातचीत कैसी होती है वो इस गाने में दिखाया, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुली शॉर्ट एंड इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। बाकी हुड़दंग यार इज एसेंशियली अ लव स्टोरी बिटवीन दीज टू कैरेक्टर्स डड्डू एंड झूलन, जिसके बैकड्रॉप पे मंडल कमीशन है जो रिजर्वेशन जहाँ से शुरू हुआ था। इट्स एज सिंपल एज के दो लोगों की लाइफ में इफेक्ट हुआ है ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल, सो दैट इज हुड़दंग फॉर यू गाइस। साइंस विच शो कि हाँ यही प्यार, आई डोंट नो यार, आई थिंक दीज डेज इट्स बिकम वेरी क्लियर एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई थिंक पीपल आर वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी ओपन, जाके बोल देते हैं आई लाइक यू, डू यू लाइक मी, डेट पे जाना है, फिल्म देखनी है, कॉफी पीनी है, एंड आई थिंक इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड और प्रैक्टिकलनेस होनी चाहिए, वरना वही लड़की या लड़का आज तो हाथ से जाएगा भाई, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस फॉर एवरीबॉडी कि तुमने मना किया तो किसी और कोई और लेगा उसको डेट पे। एग्जाम्स में कभी आपने चीटिंग की है? मतलब मैं वैसे चीटिंग नहीं करता था, लेकिन मुझे एक बार याद है फॉर सम रीजन मैं भूल गया कि एग्जाम है, मैं गया, लोग किताबें पढ़ रहे, मैंने कहा भाई क्या हो गया इतनी क्यों पढ़ाई कर रहे हो आज, मैं जानबूझ के लास्ट बेंच पर जाके बैठा था और मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को मेरे आगे वाले बेंच पे बिठाया था, मैंने पूरा पेपर कॉपी किया, लकीली वो पढ़ाई करके आया था तो हम दोनों पास हो गए थे। तो मैंने दिस इज द ओनली टाइम आई हैव चीटेड एंड दिस वाज इन लाइक फोर्थ या फिफ्थ स्टैंडर्ड, मतलब मैं उतना बच्चा था, उसके बाद से मैंने कभी चीटिंग नहीं की, उसके बाद मैं लोगों को चीटिंग करने से रोकता था, अगर कोई मुझसे चीटिंग करने की कोशिश करे तो मैं कह रहा था हट जा, मैंने नहीं कहा मेरा पेपर है हट। हुड़दंग का मतलब क्या है? हुड़दंग का करेक्ट मतलब है केओस, किसी बात का बतंगड़ बना, हुड़दंग बनाना, उसका बहुत शोर मनाना। ओह नेक्स्ट इज माय क्वेश्चन, दिस इज बेटर एक्चुअली, आपने अपने लाइफ में कौन सा हुड़दंग वाला काम किया है? हुड़दंग पिक्चर कर ली। दिस इज एमटीवी बीट्स तेरी मेरी बातें। अब टाइम है एक बड़े इंटरेस्टिंग सेगमेंट का जिसका नाम है पिक स्टोरी, और इस सेगमेंट में हम दोनों
अपने फोन में से एक दूसरे को एक दूसरे की एक पिक्चर दिखाएंगे और फिर उस पिक्चर के पीछे की स्टोरी बताएंगे। ओके लिसन, इसकी स्टोरी तो मैं बताऊंगी। हाउ कैन यू से? ओके फाइन। तो ये हमारे सेट की फोटो है जब हम हुड़दंग शूट करे थे, जिस हॉस्टल में शूट करे थे बाहर एक बैडमिंटन कोर्ट था। तो मैंने कहा सनी चलो बैडमिंटन खेलते हैं। तो ये सनी मिड शॉट है जब किसी ने उसकी फोटो ली है, बट इसकी स्टोरी है कि ये गेम मैं जीती थी। आई बीट हिम। सनी यू कैन नॉट एक्ट सरप्राइज्ड। लिसन, आई नीड समबडी। गेम कोई नहीं जीता था, हम खाली टाइम में खेल रहे थे, उसके बाद में हम चले गए थे शूट करने के लिए। इसके चेहरे पे दिख रहा है कि मैं हार गया हूं। दिस इज अ लूजर फेस। आई एम लाइक इन मिड लाइक आजा। ही लॉस्ट। अच्छा और क्या है ना, हम एक्चुअली ना इसका एक और इंटरेस्टिंग है, बिकॉज मेरी हालत बहुत खराब है इसमें। तो फिल्म में हम शूट कर रहे हैं, ये सर्दी का मौसम, लेकिन भरी गर्मी। हाँ। भरी गर्मी में हमने कहा सब कुछ छोड़ो, मेकअप हेयर गया तेल लेने, हम बैडमिंटन खेलते और हम ये बैडमिंटन खेल रहे हैं। सो दिस इज माइन एंड सनीज फोटो राइट नाउ। ये फोटो तब लिया है जब आई हैव मेट सनी फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर आवर शूट एंड आफ्टर द पेंडेमिक। इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 years, 1.5 years। सो दैट्स अ ग्रेट मोमेंट टू हैव ना, कि हम मिले दोबारा इस फिल्म के प्रमोशन के लिए। और क्या यही प्यार है कि प्रमोशन? लेकिन आप पिक्चर देखिए, आप पिक्चर देखिए, आपको अच्छा पिक्चर। ये पिक्चर मत देखो, वो देख लेना। यू आर वॉचिंग MTV बीट्स तेरी मेरी बातें, और हमारे अगले सेगमेंट का नाम है खेल खेल में। आज के गेम का नाम है डोंट ब्लिंक चैलेंज। यहाँ हम दोनों एक दूसरे को करेंगे स्टेयर। जिसने लंबे वक्त तक बिना पलके झपकाए किया स्टेयर, वो बन जाएगा इस राउंड का विजेता। विजेता, विजेता। आई एम रेडी सनी। या सो लेट्स प्ले, लेट्स गो। खेल खेल में स्टेयर, डोंट ब्लिंक। ए, यू डोंट स्टार्ट लुकिंग एट मी। या वेट वेट सनी, वेट, आई एम नॉट रेडी। ओ, यू आर डूइंग दैट। या आई हैव टू ना, वो तो मैं हूं। Okay, Sunny, go. Hey. Crap, I think I'm going to lose. No, I will. No, no Sunny. I'm going. Sunny! Yes! Okay, no. Now that you've lost, you have to do something for me. आंखों से आंसू आ गए मेरे, और क्या करें। आप देख रहे हैं MTV बीट्स तेरी मेरी बातें, और अब टाइम हो गया है एक बड़े ही फन सेगमेंट का, जिसका नाम है Never Have I Ever। We all have played this many times। यहाँ हमारे सामने रखे हुए कुछ इंटरेस्टिंग ड्रिंक्स और हमें दिए गए कुछ इंटरेस्टिंग सिचुएशंस। अगर इनमें से कोई सिचुएशन हमारे लाइफ में हुई होगी तो लेना होगा हमें एक शॉट। सिंपल। सो वेट, किस बात का? लेट्स गो। Never have I ever stolen anything from a hotel room. All. I have. Of course I have. So, oh, अगर हुई है तो लेना पड़ेगा। हुई है तो लेना पड़ेगा। Oh, okay. I'm going with this. Cheers. It's nice. Yeah, it's non-alcoholic, but acting करेंगे. यार, I actually love bathroom slippers there and the bathrooms. मुझे stationery से बड़ा प्यार है, तो मैं hotel room में जाके make it a point उनकी stationery. या नोटपैड होगा या पेन होगा या पेंसिल होगा वो मैं रख लेता, कोई बुरा भी नहीं मान। बाथरूम वाली हिम्मत नहीं हुई आज तक मेरी, तो पता ही है तुमको बाथरूम भी नहीं है भाई, बताओ डाल के निकल लिया। Never have I ever drunk dial someone. Never have I ever drunk dial. Listen, I'll take all shots on this. No, I have never drunk dial. I have. अच्छा ये बता दो, स्टोरी मत बताओ, कितनी बार? हर बार। I have drunk dial somebody every time. Never have I ever broken a bone. किसकी, अपनी या दूसरे की? नहीं यार, I don't think. दिल टूटा? हाँ। दिल टूटने पे? दिल हड्डी नहीं होती यार। नहीं नहीं नहीं, मैंने ले ली शॉट। नहीं, दिल टूटा यार, एक ले लो, एक बनता है। कैसी बात है यार। Never have I ever gone on a solo vacation. I have. Never have I ever relieved myself in a public pool. Oh God, no, please. What? Never, even not even as a kid? Oh no. No, Sunny. मैं क्या जी, एक जो कोई शर्म दी गल नहीं, there is nothing to be embarrassed about. जी है. There is nothing to be. मैं बता रहा हूँ, जो देख रहे होंगे ना, उनमें से 90% लोगों ने किया होगा ये. I will very gladly cheers to this to all the viewers because you guys have, I know it. Never have I ever re-gifted a gift. भाई दिवाली सीजन किस लिए होता है फिर? नहीं मतलब दिवाली किस लिए होता है? Of course I am. Dawali is re-gifting gifts. Never have I ever gone to the wrong restroom. I have. You have? Trust me, it wasn't good. No, I have not. Why are you doing cheers? No, I'm not. I'm just telling you, it wasn't good. I'm sure. अब टाइम है शो के बेस्ट सेगमेंट का, विच इज द सेल्फी टाइम, स्वीटेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। कुछ कुछ अमेजिंग सी सेल्फीज खींचते हैं, है ना? MTV बीट तेरी मेरी बातें का सबसे प्यारा सेगमेंट है यार।
So guys, this was Sunny Kaushal and Nushrat Bharucha on MTV Beats Teri Meri Baatein. I hope आप लोगों को हमारे बीच की ये बातें सुनकर काफी मजा आया होगा. हमारी मूवी हुरदंग को ढेर सारा प्यार दे और भी मजेदार बातों के लिए देखते रहिए तेरी मेरी बातें only on our favorite music channel MTV Beats. Blood में है beat.